छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल गुरुवार को केंद्रीय जेल रायपुर पहुंचे। भूपेश बघेल जेल में बंद कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत तिवारी से नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद पूर्व सीएम ने ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। जेल में मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी जेल के भीतर किसी बंदी से पूछताछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आईजी अमरेश मिश्रा रविवार के दिन नियम विरुद्ध जेल अधीक्षक की अनुपस्थिति में सूर्यकांत तिवारी से मिलकर धमकी देते हैं और मेरा नाम लेने का दबाव डालते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़कर स्वामी भक्ति में लीन हैं और राजनीतिक हथियार बन गए हैं। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखूंगा। देखिए बिना परमिशन के कोई भी अधिकारी जेल में आकर किसी भी बंदी से पूछताछ नहीं कर सकता, और पिछले इतवार को छुट्टी के दिन आईजी अमरेश मिश्रा जो रायपुर संभाग के ही आईजी हैं और साथ ही एसीबी और यूडब्ल्यू, और वो आके यहाँ एक बंदी से बुला के बिना अधीक्षक की उपस्थिति के उसके कक्ष में बैठ के उसे धमकाने डराने का काम किया गया, और उसमें सीधा सीधा उसको कहा गया कि मेरा नाम लो, और फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, और तब फिर मैं यहाँ मिलने पहुंचा तो वहां मुझे मिलने नहीं दिया गया, लेकिन देवेंद्र यादव जो विधायक हमारे साथी हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने सारी बातें बताई क्योंकि वो साथ ही रहते हैं, और वो बताए कि पूरा सूर्यकांत तिवारी को खूब डराया धमकाया और पूरे परिवार को तबाह करने की धमकी दी। ये भी कहा कि तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगा, तुमको तबाह कर दूंगा, इस प्रकार की धमकी दी गई है। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ के अधिकारी अपने दायित्वों को छोड़कर, जो जिम्मेदारी मिली है उसको छोड़कर स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं, और स्वामी भक्ति के हद उस सीमा तक के जा रहे हैं कि सामने वाले को डरा धमका के फंसा के ये राजनीतिक हथियार वो बन गए हैं। सूर्यकांत से बिना नियम कानून के, बिना अधीक्षक के रहते अधीक्षक के कार्यालय बुला के आईजी मिल सकता है, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधायक वर्तमान विधायक भी है वो एप्लीकेशन दिया कि भाई सूर्यकांत तिवारी से मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अधीक्षक मिलने नहीं दिए कि मुझे ऊपर से परमिशन, मतलब ऊपर से परमिशन का क्या मतलब होता है, तो बोले तो शासन भी हो सकता है, लेकिन मुझे सूर्यकांत मिश्रा से मिलने नहीं दिया। वकील से मुलाकात हुई दूसरे कमरे में, डीजी साहब हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, मुझे मिलने नहीं दिया गया, है ना। जो षड्यंत्रकारी हैं वो बुला मिल सकते हैं, लेकिन जिसको फंसाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है वो यदि मिलना चाहते तो उसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और कब तक नहीं मिलने देंगे। सूर्यकांत तिवारी जब बंद थे पिछले 2 साल से बंद थे, 1 साल तो मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन कभी मिलने मिलने नहीं आया, आज तक नहीं मिला, पहले मेरा शासन में था तब अब, लेकिन चूंकि मेरे नाम से इस प्रकार से एप्लीकेशन दिया गया है, ये पैसा भूपेश बघेल को दिया जाता है, ये जब उन्होंने लिख के दिया तब फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बात क्या है, वो ऐसा एप्लीकेशन क्यों दिया, उसे जानने के लिए मैं आया था, लेकिन यहां भी अड़ंगा। अब जो पुलिस जेल अधीक्षक है वो अड़ंगा डाल रहे हैं, शासक जब किसी भी कैदी से मिलना है तो अधीक्षक से परमिशन ले ले, हम ले सकते हैं, तो यहाँ हमको मिलने भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कब तक रोकेंगे।
फिर आऊंगा, फिर ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं, इनको ये कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है। और ये जहां जहां भी है वहां देख लीजिए क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, उसका काम तो कर नहीं रहे हैं। इसी आईजी के कार्य क्षेत्र में बड़ौदा बाजार भी आता है जहाँ इतनी बड़ी घटना घटी, और इतनी बड़ी घटना घटी तो एसपी और कलेक्टर को तो हटा दिया, आईजी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? इसलिए कि वो नाक के बाल बने हुए हैं या कहीं ऊपर से आदेश आया इस नासिक को रखा गया है, और ये अपने अधिकार क्षेत्र में बाहर जाके जेल में आके बंदी को धमका रहे हैं। मैं तो इस मामले में मुख्यमंत्री की पत्र लिखूंगा, क्योंकि जो आवेदन आया है वो बहुत खतरनाक है। किसी भी भारतीय नागरिक को इस प्रकार से फंसाने के लिए षड्यंत्र करने का काम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अधिकारी करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। लोकतंत्र के लिए बेहद ही ये खतरनाक है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री को तो लिखूंगा ही, अब उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाईकोर्ट, इनको ही मैं लिखूंगा पत्र कि इस प्रकार से अधिकारी जेल में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं, ये संज्ञान में आना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, उसकी सरकार विफल हो चुकी है, हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अब अपनी नाकामी को दबाने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरे तरफ भटकाने के लिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ताकि हमारे खिलाफ कोई बोल ना सके। इसलिए सबका मुंह बंद करने का काम ये विष्णु देसाई सरकार कर रही है। मैं तो पहले से हूँ, वो तो वहाँ एक नंबर और दो नंबर के टारगेट में रहा है, इसका थोड़ी टारगेट, उनके टारगेट रहा, 5 साल रहा और अभी भी हूँ।